मेरे प्रदेश के लोगों ने राम राम। हरियाणा तक चैनल के यूट्यूब कुणबे पे 1 मिलियन सदस्य हो गए से। आप सारा का इस प्यार खातर, इस प्रेम खातर, इस सहयोग खातर बहुत घना शुक्रिया। सर मैडम कह रही है कि चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ूंगा। मैडम कौन कहता है? डिप्टी सीएम। उसको लिस्ट दे दे बना के, फिर बता देंगे आपको भी। अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। नेता मैं कब हो यार कि नेता हूँ क्या नहीं। अब आपको ये गलत फहमी है कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं इसको गलत फहमी को दूर करो। सर मैडम कह रही है कि चाहे पार्टी टिकट दे या ना दे, मैं निर्दलीय कैंडिडेट चुनाव लड़ूंगा। मैडम से पूछो। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि मैंने उचाना में इतना विकास कार्य करवा दिया, 100 करोड़ रुपए लगवा दिए, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? कौन कहता है? डिप्टी सीएम। उसको लिस्ट दे दे बना के, फिर बता देंगे आपको भी। अभी तक तो कोई नजर आया नहीं। साल में ही कोई सारे के सारे 1000 करोड़ के काम हो जाए तो अलग बात है। आज के दिन 5 काम भी ऐसे नहीं है जो लोगों को दिखते हो कि इसने करवाया, तो झूठ का पुलिंदा है। और इसीलिए लोगों को भी पता है, और इसीलिए मैं ये कहता हूँ वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ेगा। उचाना जिन में कहाँ पे हो गए, किन नेताओं के आने की उम्मीद है? नेता मैं कम हो गए ये यार किन नेताओं के आने। मैं मेरे वीरेंद्र सिंह के साथी एक संस्था है, उसके नाम से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और इसका नाम रैली नहीं है, इसका नाम है वीरेंद्र सिंह के साथी समूह। और उसमें आपने पूछा कौन नेता आएंगे। अब आपको ये गलतफहमी है कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं इसको गलतफहमी को दूर करो। दूसरी बात यह है कि अगर हम अभी नेताओं को जो भी हमारे साथी हैं उनको आमंत्रित करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि हमने आमंत्रित किया था, ये आएंगे, इनके अभी कोई हमारे को समाचार नहीं मिला है। और ये जो एकलव्य स्टेडियम है, वहाँ हमारी जो कार्यक्रम है उसका आयोजन होगा 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन के अवसर पे। और एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं जिसमें बड़ी संख्या में हरियाणा भर से लोग आएंगे।